आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक व्हाई डू एमसीबी ट्रिप फ्रिक्वेंटली, मतलब कि हमारी एमसीबी जो कि है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये बार बार ट्रिप क्यों हो रहा है। दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कहीं पर इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहे हैं और साथ ही में जो कहीं पर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर भी आपसे कई बार ये सेम सवाल पूछ लिया जाता है कि आपकी एमसीबी जो है वो बार बार ट्रिप हो रही है तो इस केस में आप क्या करोगे, तो उस समय आपको क्या जवाब देना है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर हमारी एमसीबी किन किन कारणों से ट्रिप होती है। अगर आपसे इस तरीके का भी सवाल पूछा जाता है तो इसका क्या जवाब है, सबसे पहले हम वही देख लेते हैं। तो दोस्तों एमसीबी के ट्रिप होने के मुख्य तीन रीजन होते हैं, मतलब कि हमारी एमसीबी जो ऑटोमेटिक बंद होती है वो मुख्य तीन वजह से ही होती है। इसके अलावा कोई भी और वजह नहीं होती हमारी एमसीबी ट्रिप होने की। सबसे पहली जो वजह है वो है हमारी ओवरलोड की कंडीशन। अब ये ओवरलोड की कंडीशन क्या होती है, तो ओवरलोड की कंडीशन काफी ज्यादा सिंपल है। जैसे कि हमारी यह एमसीबी ये 63 एम्पीयर की है जो कि इस पे यहां पे लिखा हुआ भी है, तो अगर मैं मेरी इस एमसीबी पे 63 एम्पीयर से ज्यादा का लोड जोड़ देता हूं, उदाहरण के तौर पे मैं मेरी इस एमसीबी पे एक मोटर को जोड़ देता हूं जो कि 63 से ज्यादा एम्पीयर लेती है, जैसे कि मान लेते कि वो 70 एम्पीयर लेती है, तो इस समय क्या होगा, हमारी जो एमसीबी है ये एमसीबी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और सेम यही चीज हमारे घरों में भी होती है। अगर हमने घर पे 32 एम्पीयर की एक एमसीबी को लगा रखा है और किसी भी कारण से हमने हमारे घर पे 32 एम्पीयर ज्यादा के लोड को चला रखा है, जैसे 40 एम्पीयर तक के लोड को चला रखा है, उस समय क्या होगा, हमारी जो एमसीबी है ये एमसीबी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। ऑटोमेटिक ऑफ होने का मतलब हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन और सबसे ज्यादा कॉमन रीजन एमसीबी ट्रिप होने का यही होता है कि हमारी एमसीबी पर हमने ज्यादा लोड को जोड़ रखा है, हमारी एमसीबी ओवरलोड की कंडीशन में चल रही है। इसके बाद में एमसीबी के ट्रिप होने का सेकंड रीजन जो आता है वो आता है हमारा शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट को तो हम में से लगभग सभी जने समझते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, हमारा कोई फेस है, फेस वायर, वो फेस वायर हमारा न्यूट्रल वायर से टच हो जाए, आपस में भिड़ जाए, तो उस समय क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हमारा एक फेस वायर दूसरे फेस वायर से टच हो जाएगा तो वो भी हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यह जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है इस समय भी हमारी एमसीबी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, मतलब ट्रिप हो जाती है। इसी के अलावा दोस्तों इस सेकंड पॉइंट के अंदर ही एक और पॉइंट आ जाता है जो कि होता है हमारा ग्राउंड फॉल्ट। ये ग्राउंड फॉल्ट जो है इसको कोई कोई जने अलग पॉइंट ले लेते हैं, लेकिन ये सेम ही चीज है। ये ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है, तो ग्राउंड फॉल्ट के अंदर अलग अलग तरीके की कंडीशन हो सकती है। कैसे हो सकती है इसका मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने हमारे घर पे एक सीलिंग फैन को लगा रखा है। अब सीलिंग फैन हमारा चल रहा है, लेकिन गलती से किसी भी कारण से हमारी जो सीलिंग फैन है उसकी जो वाइंडिंग है अंदर की, वो वाइंडिंग हमारी जल गई, खराब हो गई। तो इसके कारण क्या होगा, हमारा जो फेस जा रहा था हमारी फैन की वाइंडिंग के अंदर, वो जो फेस वायर है वो फेस वायर हमारे फैन की बॉडी पे टच होगा, क्योंकि हमारी वाइंडिंग तो जल गई, तो हमारा उसका इंसुलेशन हट गया वाइंडिंग का। तो इसके कारण क्या होगा, हमारा जो फेस है वो फेस फैन की बॉडी पे टच हो जाएगा। तो बॉडी पे टच हो गया, इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो फेस है वो फेस हमारा ग्राउंड हो गया। तो ये जो ग्राउंड की कंडीशन होती है ना, इस ग्राउंड की कंडीशन में भी हमारी एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट को मैंने आपको पहले ही बता दिया। शॉर्ट सर्किट को मैं आपको एक और तरीके से ऐसे भी बता सकता हूँ जो कि कई बार देखा भी जाता है घरों के अंदर। क्या होता है दोस्तों, हम कई बार हमारे घर में जो वायर का सिलेक्शन होता है वो वायर का सिलेक्शन गलत कर लेते हैं। अब जब गलत वायर का सिलेक्शन करेंगे और उस पर हम ज्यादा एम्पीयर के लोड को चलाएंगे तो हमारा क्या होगा, वायर जो होगा वो वायर धीरे धीरे हीट हो जाएगा। अब जब वायर हीट हो जाएगा तो वो थोड़े दिनों बाद हीट होकर जल जाएगा। तो जलने के कारण क्या होगा, हमारे दो वायर आपस में साथ साथ चल रहे हैं, एक फेस का और एक न्यूट्रल का, तो जब ये दोनों वायर ज्यादा हीट होंगे तो इसके ऊपर का इंसुलेशन जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे हमारा फेस और न्यूट्रल जो है ये दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो हमारे इस तरीके से भी कई बार शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पैदा हो जाती है हमारे वायर के जल जाने के कारण। तो दोस्तों अभी तक तो हमने एमसीबी के ट्रिप होने के मुख्य दो रीजन जान लिए जो कि आपको इंटरव्यू में बताने, सबसे पहला हो गया ओवरलोड, सेकंड हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट, और इसी शॉर्ट सर्किट के अंदर ही आप ग्राउंड फॉल्ट भी बोल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों तीसरा रीजन आ जाता है, हमारी एमसीबी ही खराब है, मतलब हमारी एमसीबी ही फॉल्टी है। तो इंटरव्यू के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी एमसीबी किन किन कारणों से ट्रिप हो रही है, तो आपको भी ये मुख्य तीन रीजन ही बताने हमारे एमसीबी के ट्रिप होने के। अब दोस्तों इन सभी के बाद में हम नेक्स्ट ये जान लेते हैं कि हमारी एमसीबी जो है वो बार बार ट्रिप हो रही है तो उस कंडीशन में मेरे को क्या करना चाहिए, या फिर मेरी एमसीबी एक बार भी ट्रिप हुई तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसा भी आपसे सवाल इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों एमसीबी के ट्रिप होने पर हमको स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीजें करनी है, हमको डायरेक्ट कभी भी एमसीबी को खराब समझ के उसको चेंज नहीं कर देना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इंटरव्यू के अंदर भी कभी भी स्टार्टिंग में हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी एमसीबी खराब है, हम एमसीबी को चेंज करेंगे। सबसे पहली चीज एमसीबी की ट्रिप होने पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली कोशिश हम ये करेंगे कि हम आसपास पहले देख ले कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो नहीं है, मतलब कि हमको आसानी से अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, या फिर हम साथ साथ एक और यह भी चीज देखेंगे कहीं पर हमको कोई जलने की बदबू तो नहीं आ रही है। तो ये सबसे पहली चीज हमको देखनी है कि कोई जलने की बदबू तो नहीं आ रही है, और साथ साथ हमको एक और चीज देखनी है कहीं पर शॉर्ट सर्किट को नहीं दिख रहा है। अब यहां पर आपको एक बात का यह भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप एक से दो घंटे तक पहले सबसे पहले फॉल्ट ढूंढते रहे कि आखिर शॉर्ट सर्किट है भी या नहीं है, शॉर्ट सर्किट हम ढूंढ
रहे हैं, हमारा कहीं वैसे वायर तो नहीं जल गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। हमको सिर्फ एक छोटे छोटे तौर पे देख लेना, कहीं पे जलने की बदबू तो नहीं आ रही, कहीं पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया एमसीबी की ट्रिप होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारी कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ है इसलिए हमारी एमसीबी फॉल्ट हुई, लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कभी एमसीबी ट्रिप हुई है तो सबसे पहले हम चेक करें कहीं पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं है और कहीं पे जलने की बदबू तो नहीं आ रही है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड चीज हम क्या करेंगे, हमारी एमसीबी को ऑन करेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, कभी भी हमारी एमसीबी ट्रिप हुई है उसके बाद में अगर हम एमसीबी को ऑन करते हैं तो उसके बाद में हमको एमसीबी के पास ही रहना है, थोड़ी देर तक इसको मॉनिटरिंग करना है। यहां पे दो केस हो सकते हैं। पहले केस हो सकता है कि आपने आपकी एमसीबी को ऑन किया, आपने आपकी एमसीबी को सिर्फ ऑन किया और एमसीबी को ऑन करते ही हैंड टू हैंड नीचे हो गई, यानी ऑन हो ही नहीं, आप ऊपर कर रहे हो और ये नीचे हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमको साफ पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो सबसे पहले जी अगर हमारी एमसीबी ऑन होती, हैंड टू हैंड ट्रिप हो रही है, अगर वो 5 सेकंड भी नहीं ले रही है ट्रिप होने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अब एमसीबी को थोड़ी सी देर बंद करके अब हम अच्छे से कहीं पे चेक करेंगे कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। इसके बाद में दोस्तों एमसीबी के ऑन करने पर हमारे पास में एक और कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमने एमसीबी को ऑन तो किया, ऑन करने के बाद में एमसीबी हमारी ऑन हो गई, लेकिन हमारी एमसीबी 5-10 सेकंड तक तो बंद नहीं हुई, लेकिन हमारी एमसीबी 1-2 मिनट बाद ट्रिप हो गई। तो इस समय आप क्या करेंगे, तो अगर हमारी एमसीबी 1-2 मिनट बाद बंद हो जाती है तो इससे हमको साफ पता चल जाता है कि हमारी एमसीबी पर कुछ ना कुछ ज्यादा लोड चल रहा है। उस लोड के थोड़ी सी देर चलने के बाद में हमारी एमसीबी बंद हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हमारी एमसीबी पर जो भी लोड लग रहा है उस लोड को थोड़ा कम करेंगे या फिर एक एक करके हमारे एमसीबी के लोड को ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा करके हम मॉनिटरिंग करेंगे कि हमारी एमसीबी में कहां पे फॉल्ट है, हमारी एमसीबी में कहीं लोड तो ज्यादा नहीं हो गया है। और शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों ही केस में जब हमको कोई फॉल्ट मिल जाता है तो हम उस फॉल्ट को सही करके हमारी एमसीबी को आसानी से ऑन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने यह सब चीजें अच्छे से कंप्लीट चेक कर ली लेकिन आपको कोई भी फॉल्ट नहीं मिलता है, तो इसके बाद में हमारी आखिरी और तीसरी स्टेप आ जाती है जिसके अंदर हो जाता है कि हम हमारी जो एमसीबी है उस एमसीबी को चेंज करके चेक करते हैं। हो सकता है कि हमारी जो एमसीबी है वो एमसीबी भी फॉल्टी है, लेकिन मैं आपको वापस से बता दूं कि एमसीबी को कभी भी आपको डायरेक्ट चेंज नहीं कर देना है, आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप करनी है। और इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता दूं एमसीबी की फॉल्टी कंडीशन में, तो एमसीबी ज्यादातर जो खराब होती है, वैसे एमसीबी कई कारणों से खराब हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है कि एमसीबी आपकी 5-10 मिनट तक चल रही है फिर बाद में वो बंद हो जाती है ऑटोमेटिक, ऐसे भी करके कई बार हमारी एमसीबी खराब हो जाती है कि 5-10 मिनट तक तो हमारे लोड को चला लेती है फिर वो ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाती है, तो उस केस में तो हमको एमसीबी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर हमारे एमसीबी के जो फॉल्ट आते हैं ना वो या तो इस तरीके के आते हैं कि हमारी एमसीबी ऑन ही नहीं हो रही, जैसे मैं इसको ऑन करता हूं ना ये ऑन ही नहीं होती, यहां पे ये ऐसे अटकती नहीं है, यहां पे फंसती नहीं है, वो ऑटोमेटिक वापस नीचे हो जाती है, ये यहां पे जैसे यहां पे जाके रुक जाती है, तो ये रुकती नहीं, चाहे आप इस पे सारा लोड हटा दो, आप यहां से इसकी वायरिंग हटा दो तो भी हमारी एमसीबी ऊपर होल्ड ही नहीं होगी। तो एक तो ऐसा फॉल्ट आता है एमसीबी के अंदर, और सेकंड चीज हमारे एमसीबी के अंदर कई बार ऐसा फॉल्ट आता है कि हमने इधर तो 3 फेज सप्लाई दी लेकिन आउटपुट में हमको जो फेज 3 फेज मिलने चाहिए वो हमको 3 फेज नहीं मिल रहे, हमको 1 फेज कहीं से रुक जाएगा, हमको सिर्फ 2 ही फेज मिलेंगे या फिर हमको न्यूट्रल की सप्लाई नहीं मिल रही। तो ऐसे करके भी कई बार हमारे एमसीबी के अंदर फॉल्ट आते हैं। तो अगर कभी भी आपकी एमसीबी ट्रिप हो गई है या फिर आप अपनी एमसीबी को चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके पहले इन दोनों चीजों को भी आप जरूर से चेक कर लीजिए कि कहीं कुछ इस तरीके के फॉल्ट हमारी एमसीबी से जुड़े तो नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको एमसीबी के ट्रिपिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप इन्हें देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।